संतुष्टि तृप्ति बड़ा प्यारा शब्द है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उससे कहीं श्रेष्ठ असंतुष्ट होना बेहतर है। वह प्रकृति में हमारी तरक्की में हमारे नए आयामों की ओर ले जाने में सक्षम असंतुष्टि ही है। असंतुष्ट हो जाना श्रेष्ठ है अगर आप तरक्की करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं भानु सरमाली मीन राशि का राशि बल 2023 का लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूं। दर्द सबके एक से हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग है होते हैं। कोई हताश होकर के बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो संघर्ष करना मीन राशि वाले अपने आप को संतुष्ट और तृप्त मान रहे हैं, उससे तरक्की में बाधकता उत्पन्न हो ही जाएगी। मीन राशि वालों का राशिफल लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूं। एस्ट्रो ज्योतिष वास्तु में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। प्रत्येक मनुष्य की इच्छा रहती है कि ग्रह नक्षत्र सितारे किस प्रकार से मेरे फेवर में रहने वाले हैं, और आने वाले जीवन में नए नए पलों के बारे में मनुष्य की कहीं ना कहीं इच्छा अवश्य रहती है कि आने वाले पल कैसे होने वाले हैं, और आने वाले पलों से सदैव ही हम उन्नति की इच्छा और आशा करते हैं। यह मैंने राशिफल चंद्र ग्रह पर आधारित करके बनाया गया है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और मन का प्रभाव हमारे प्रत्येक कार्य में पड़ता है। मन में जब उत्साह जोश आनंद रहेगा तो कार्य हम सुव्यवस्थित तरीके से कर पाएंगे, और निराशा लाए तो कार्य में भी निराशा आ ही जाएगी। जो अतीत में हमने कार्य किए हैं उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ना है, और वह स्वतः ही छूट ही जाएंगे। और मैंने जो राशिफल चंद्र पर आधारित किया है, हमारे शरीर में 75% जल है, और जल सबसे ज्यादा प्रभावित चंद्रमा से होता है। पृथ्वी पर भी 75% जल है, और कई बार आप लोगों की ओर से प्रश्न आता है कि मेरी दो राशियां हैं, एक जन्म की कुंडली पर आधारित, दूसरी आम बोलचाल में विशेष डॉक्यूमेंट में प्रतिष्ठान व्यापार क्षेत्र में कुछ नाम और है, उससे राशि कुछ और बन जाती है। अब कौन सी राशि को हम माने? पंचांग का यह नियम है, जो आप यात्रा कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, अपने दिनमान राशि फल देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो वह आपके प्रचलित नाम ज्यादा प्रभावी होगा। क्यों? कि प्रचलित नाम आपका बार बार बोला जाता है तो वह आपके अंतःकरण तक प्रत्येक रोम रोम में समाहित हो जाता है। वह बार बार बोलने से एक जागृत अवस्था में शब्द में पावर आ जाता है। जैसे कभी आपने ख्याल किया हो, हम कहीं मंदिर वगैरह दर्शनीय स्थान पे जाते हैं, उज्जैन गए तो उज्जैन में आपको सब जगह जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल लाखों करोड़ों बार इसका उच्चारण होता है। तो जब भी यह नाम आप शब्द उपयोग में लेंगे, मंत्र उपयोग में लेंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी देखने को मिली जाएगी। तो उसी प्रकार आप 10 व्यक्तियों के साथ सो रहे हैं और आपके प्रचलित नाम से आपको आवाज दी जाती है,
तो आप अपने उस प्रचलित नाम से उठ जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, और जो जन्म कुंडली का नाम है उससे नहीं जाग पाते, तो वह नाम आपके लिए, जन्म कुंडली का नाम, आप कोई बंगलो प्रतिष्ठान, कोई व्यापार कर रहे हैं विवाह के लिए, यज्ञोपवीत के लिए, उस नाम से चंद्रमा देखा जाता है। और आम बोलचाल की भाषा में आपकी यात्रा के लिए, व्यापार के लिए यह नाम जागृत अवस्था में आ गया, सिद्ध हो गया। अब जब मुख्य तौर से जब आपका विश्लेषण किया जाए कुंडली का, तब आपकी जन्म कुंडली और आप प्रचलित नाम दोनों को मिलाने के बाद ही सटीक कुछ भविष्यवाणियां की जा सकती है। और अभी जो मैंने यह राशिफल तैयार किया है, मीन राशि या मीन लग्न वालों के लिए सटीक बैठने वाला है। और कुछ जब हमको जानकारी हो जाती है कि आने वाले समय में ये होने वाला है, तो कुछ उससे बचाव किया जा सकता है। मानसून इस तरीके का बना हुआ है, बारिश का मौसम है, बादल छाए हुए हैं, तो हम छाता लेकर के चलते हैं, तो कुछ तो रोकथाम की जा सकती है ना। तो वैसे ही अब मैं आपके विशेष जीवन में कौन कौन सी बातों का प्रभाव रहता है, उस सभी बातों के बारे में चर्चा करूंगा। आपके जॉब, बिजनेस एंड मनी के बारे में बात करूंगा, फैमिली एंड सोशल लाइफ के बारे में बात करूंगा, मैरिज एंड लव रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगा, हेल्थ के बारे में बात करूंगा, एजुकेशन एंड कैरियर के बारे में बात करूंगा, ट्रेवल एंड ट्रांसफर के बारे में बात करूंगा। अब ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में बात करूं तो अभी जो हाल ही में स्थिति बनी हुई है उससे आप काफी अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, तृप्त मान रहे हैं, जैसा ईश्वर ने दिया है श्रेष्ठ है। लेकिन मैंने ये शब्द कहा पहले शुरुआत में ही कि असंतुष्ट शब्द बड़ा प्यारा शब्द है, जो हमारे प्रोग्रेस के लिए श्रेष्ठ रहेगा। असंतुष्ट होना हो जाना काफी अच्छा है, और सृष्टि का यह नियम है, जैसा हम क्रिकेट करते हैं वैसा ही हमारे साथ सहयोग होता है। हम आलस्य करेंगे तो आलस्य में भी सृष्टि हमारा सहयोग करेगी, और हम जोश में आकर के कोई कार्य करेंगे तो वहां पर भी सृष्टि हमारा सहयोग करेगी। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है, जैसे अमीर बनने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन गरीबी तो स्वतः ही आ ही जाएगी, उसके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। साल की शुरुआत में ही देव गुरु बृहस्पति आपके लगन में, विचारों में, व्यक्तित्व में, सोच में, स्वास्थ्य में विराजमान है, और वह भी सोगरी बन करके, अपने घर के मालिक बन करके, तो पावरफुल स्थिति में तो है ही, लेकिन यहां पर यह आपको काफी तृप्त संतुष्टि स्थिति में ले आते हैं। वहीं इनकी पंचम दृष्टि आपके शिक्षा भाव पर होने से, संतान भाव में होने से, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी परिश्रम कर रहे हैं उसका अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा, सफलताएं आपके हाथ आएगी। वहीं आप संतान की चिंता कर रहे हैं तो संतान, जो विवाहित हैं और संतान की इच्छा है, वहां संतान होने की संभावनाएं भी बनेगी। वहीं जहां आपकी संतान बड़ी अवस्था में शिक्षा ग्रहण कर रही है, जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में है, या विवाह योग्य है, तो वहां से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे संतान की ओर से। और मीन राशि वाले, मीन लगन वाले जातक अविवाहित हैं तो विवाह के योग भी बन रहे हैं, साथ ही भाग्य का भी पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। देव गुरु बृहस्पति आप पर पूर्ण भाग्य पर आशीर्वाद बनाए हुए हैं, धर्म की भी इच्छाएं जागृत होगी आपकी। वहीं देव गुरु बृहस्पति अप्रैल माह में वह गोचर करते हुए आपके धन भाव में गोचर करेंगे, तो ये धन भाव में गोचर करने से
आपके यह लगन के और कर्म भाव के मालिक होकर के आपके धन भाव में, जहां हम धन का विचार किया जाता है, परिवार का विचार किया जाता है, वाणी का विचार किया जाता है, जहां चल संपत्ति का विचार किया जाता है, तो वहां पर विराजमान होने से आप वाणी पर अपना संयम रखते हैं, वाणी में कटुता नहीं लाते हैं, तो परिवार वालों का पूर्ण सहयोग भी रहेगा और जो संपत्ति बनाने के योग भी बने हुए हैं यहाँ पर, ये संपत्ति बनाने में भी आपका सहयोग करेगा, परिवार की वृद्धि करने में भी आपका सहयोग करेगा। वहीं जो कि न्यायाधीश शनिदेव या गुरु को मैं सम्मिलित कर लेता हूं, गुरु के साथ शनि का भी, इसका शनिदेव आपके लाभ स्थान में विराजमान है, जो लाभ की मात्राएं तो बढ़ा ही रहे हैं, वहीं अपने मित्र भाई बहन का भी सहयोग बना रहे हैं। वहीं 17 जनवरी को न्यायाधीश शनिदेव आपके खर्च भाव में आ जाएंगे, जिससे आपको 7:30 की शुरुआत हो जाएगी। 7:30 की शुरुआत होते ही दिमाग में कुछ तनाव सा महसूस करेंगे, वहीं प्रॉपर्टी लेने की मानसिकताएं भी बनेगी, विदेशी यात्राओं के भी योग बनेंगे, या विदेशी सामग्री से संबंधित आप कार्य कर रहे हैं तो वहां आपके कार्य में प्रगति देखी जा सकती है। और जब आपको धन की आवश्यकता होगी तब देवगुरु बृहस्पति वो धन की व्यवस्था करने में आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। फिर उसके बाद में सबसे पहला सुख आता है निरोगी काया, तो देवगुरु बृहस्पति जो काफी लंबी समय से आपकी योजनाएं अटकी हुई थी, आप कुछ विशेष खोज में लगे हुए थे, तो वहां आपको सफलताएं अवश्य मिलेगी, साथ ही आप गुप्त विद्याओं में भी रुचि आपकी जागृत होगी। वहीं व्यापार के क्षेत्र में पिताजी का पूर्ण आशीर्वाद रहेगा, पिताजी की सलाह आपके लिए बड़ी सुखद रहेगी, साथ ही आपके कर्म में जो भी कार्य करते हैं वहां आप अच्छाइयां लाएंगे, बुरे कर्मों की ओर नहीं बढ़ेंगे, यह देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण आशीर्वाद रहेगा। तब जब अच्छाइयों के साथ कार्य किया जाएगा तो यह आपको आभासित हो सकता है कि कुछ लाभ की मात्राओं में कमी है, धन का अभाव आपको देखने को मिल सकता है। वहीं मंगल आपके पराक्रम भाव में, जो कि कार्य क्षेत्र में वर्चस्व आपको देखने को मिलेगा, निर्णय लेने की शक्ति आपकी बढ़ी हुई है। वहीं राहु भी द्वितीय भाव में, तो आप अपनी वाणी से, चतुराई से अपने परिवार में तालमेल अपनी बात से रख लेंगे, लेकिन आपने ज्यादा कलाकारी की तो यह परिवार वालों को पता चल जाएगा और उससे परिवार में अनबंद होने की स्थितियां भी बन जाएगी। इसलिए महाराज इस बात का ख्याल रखें तुरंत। साथ ही स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो यहाँ पर स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। वहीं कुछ प्रमोशन की स्थितियां भी बनी हुई है, वह प्रमोशन सरकारी क्षेत्र में है तो समझ में आता है, लेकिन कई लोगों को जो सरकारी क्षेत्र में नहीं है वो कहते हैं हमारा प्रमोशन कैसे होगा। तो प्रमोशन के कई तरीके हैं, परिवार में वृद्धि हो जाना यह भी प्रमोशन है, आपका विवाह हो जाना यह भी तो प्रमोशन ही है, आपके संतान हो जाना, आप दादाजी नानाजी बन जाना यह भी प्रमोशन है। तो प्रमोशन के कई रूप हो सकते हैं, तो प्रमोशन की स्थितियां भी काफी हद तक बनी हुई है। साथ ही वर्ष की शुरुआत में ही सूर्य और बुध आपके कर्म भाव में विराजमान, पिता के घर में विराजमान होने से, या आप अपने व्यापारिक क्षेत्र में लेन देन में वहां आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, आपके निर्णय की सटीकता रहेगी और जो आप खोज कर रहे हैं
वहां भी आपको सफलताएं मिल जाएगी। बुधादित्य योग बनाए हुए विराजमान है। कुल मिलाकर कहूं तो साढ़े साथी की स्थितियां आपके बन रही है नए साल में, जो दिमाग मानसिक स्थितियों का संतुलन बिगाड़ने में सक्षम रहेगा शनिदेव, और धन का भी अभाव देखने को मिलेगा। तो इस बातों का विचार करते हुए आप असंतुष्ट बनने का प्रयास करें, जिससे आपकी तरक्की हो और आप अपना नया कार्य शुभारंभ कर पाए और सुव्यवस्थित तरीके से करते हुए आगे बढ़े, यही मैं इच्छा करते हुए अब आपसे अनुमति लेना चाहूंगा। उससे पहले मैं एक खास बात आपको कह दूं कि मैंने काफी सारे लिंक इसमें दे रखे हैं, उसमें से एक लिंक मैंने आशीर्वाद और स्वस्तिक वाचक मंत्रों का दिया हुआ है, जो कि आप अपने घर में प्रतिष्ठान में नित्य प्रति सुबह शाम इसका श्रवण करें, जिससे आपके साढ़े शांति का प्रभाव आपको कम आभासित हो और अपना सही तरीके से निर्णय ले पाए। वहीं हनुमान जी की उपासना भी आपके लिए बेहतर रहेगी। और मैं सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है कि जब आप हनुमान जी के नित्य प्रति दीपक करते हैं, उनके प्रकाश करते हैं, तो आपके प्रकाश स्वतः ही हो ही जाएगा। दीपक में बड़ा तेज होता है महाराज, दीपक नित्य प्रति करते रहिए, अभी से शुरुआत कर दीजिए, जिससे आपको साढ़े साथी के अच्छे परिणाम प्राप्त हो। और मेरा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो अपने और अपनों को शेयर दबा करके करिए, ताकि उनको भी इन बात का लाभ पहुंचे और वह आप पर आशीर्वाद बनाए कि मेरे को यह श्रेष्ठ सलाह दी गई है। अब मैं आपसे अनुमति, आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आशीर्वाद, प्रसन्न रहें।